जी नाजरीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद एडवोकेट हाई कोर्ट नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता में हाजिर खिदमत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेरे ख्याल में हर बंदा इसमें जाना बहुत पसंद करता है, यानी मैरिजेस पे, और मैरिज खास तौर पे मैरिज के फंक्शंस के ऊपर के कानून इसके बारे में क्या कहता है, कौन से फंक्शंस हैं और इसके अंदर क्या क्या तकरीबात उस अलाउ करता है और कौन सी रस्म व रिवाज को मुनाफी करता है। तो इस टॉपिक में बात करने के लिए जिस वकील साहब को हमने दावत दी है उनका नाम है सलमान इकबाल, तो आए नाजरीन उनसे बात करते हैं। जी सलमान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता है में खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप अपने कीमती टाइम से वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और नाजरीन को ताकि मालूमात फराहम कर सके। थैंक यू मिस, आपका बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मैं नेशनल न्यूज़ नामा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो इस तरह के अच्छे और ग्लूमिंग प्रोग्राम लेके आते रहते हैं ताकि लोगों को उसके कानून के मतलब अवेयरनेस होती रहे, क्योंकि मैं ख़ुद भी इनको बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो करता रहता हूँ। तो आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदु किया है तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपका भी थैंक यू। अच्छा, जहाँ बात की थी मैंने इंट्रो में कि शादी के फंक्शंस की तकरीबात के बारे में हमने प्रोग्राम आज रखा है, जो कि मेरे ख्याल में आज तक मेरे सामने से नहीं गुजरा कि इस टॉपिक पे बात की गई हो कि शादी के प्रोग्राम में या तकरीबात में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कानून अलाउ करता है कौन सी नहीं करता। तो सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक एक लॉ है जो कि शादी की तकरीबात को मॉनिटर करता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में ये अपने हर प्रोविंस अपने अपने वे से इसको डील करता है, लेकिन जो पंजाब के अंदर है वो है द पंजाब मैरिज फंक्शन एंड रिस्ट्रेन एक्ट 2016। अच्छा, पंजाब के आपने बता दिया कि पंजाब के अंदर पंजाब मैरिज फंक्शन एंड रिस्ट्रेन एक्ट है जो कि सिर्फ पंजाब की हद तक इम्प्लीमेंटेड है। जी जी, ये पंजाब ही की हद तक इम्प्लीमेंटेड है और यहाँ जितना भी इसके ऊपर होगा इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो सिर्फ पंजाब तक महदूद है, पंजाब में ही ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन है इम्प्लीमेंटेशन इसकी पंजाब जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या इसका मतलब है, हम लोग यानी हम जब एक एक्ट पढ़ते हैं तो उसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई होती हैं, उसके बताया गया कि ये इसका दायरा कार है और कहाँ कहाँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, और साथ में आपने मुझे बताना है कि इसमें स्पेसिफाई मैरिज को किस तरह किया गया, ये खाली मैरिज है या इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं इसमें। ये सबसे पहले ये है कि हर जो गवर्नमेंट किया जा रहा है ना, यानी पंजाब है तो यहाँ सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इसकी बात की जा रही है। और जो आगे चल के आपने पूछा है कि ये इसको कैसे स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो हम लोग में कुछ ये अकॉर्डिंग टू उनके वो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू उनकी स्ट्रेंथ होता है कि वो कितना इसको ले कर आगे चल सकते हैं। वैसे तो एक शादी का फंक्शन वो दो या मैक्सिमम तीन डेज तक होता है, मेहंदी लगा लें और साथ में शादी जिसमें रुखसती भी आ जाती है और निकाह, लेकिन इसके इससे हट के माइयों भी होता है, कुछ घराने ऐसे हैं कि जो माइयों भी करते हैं, उसके अलावा तेल का भी उनमें रिवाज होता है और इवन इसमें मंगनी भी ऐड है, अगर आप उसको करते हैं तो वो भी पार्ट ऑफ मैरिज ही है। यानी आपने बताया कि ये जो डिफरेंट फ्रेजेस हैं शादी की फंक्शंस की वो सारी जो है इस एक्ट के मुताबिक मैरिज के अंदर इंक्लूड की जाती है। जी जी बिल्कुल, और उनके ऊपर ये डील करेगा और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेगा कि क्या क्या इनमें होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये उन्हीं के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे अलाउ करते हैं कि मैरिज फंक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ये, क्योंकि बहुत खूबसूरत लॉ है, अगर इसको मतलब इसकी जो एप्लीकेबल तो बहुत अच्छा है, और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और ये प्रैक्टिकली सही से काम करे तो बेहतरीन है। इसमें होटल्स हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और पाकिस्तान में ये है कि हम जगह हैं हमारे पास अब बची नहीं है, तो इसलिए हम होटल्स वगैरह में जाते हैं। उसके अलावा हम उधर पार्क्स वगैरह को भी कर लेते हैं, तो उनमें भी इसको अरेंज किया जा सकता है, या कोई एक बड़ी खुली जगह हो तो उसमें भी इसको अरेंज किया जा सकता है। तो ये ऐसी जगहें हैं जहाँ इसको हमने अरेंज करना होता है, जहाँ पे गैदरिंग की जा सकती है, ईजीली गैदरिंग के लिए।
लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि इतना एरिया होना चाहिए और ये स्पेसिफाई होना चाहिए वहाँ पर जहाँ पे इजिली गैदरिंग हो सके। हाँ, इसमें ये है कि ये एरिया ये नहीं है कि आप अपनी गली में, आपकी गली खुली है तो आप उसके अंदर ये सारा काम करना शुरू कर दें, तो वो ये पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है। तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, किसी के सुकून को बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए हत्तुल वसी कोशिश ये करनी चाहिए या ये कानून ये उसकी पुश्तना ये कर रहा है कि आपने हमेशा वो जगह में डिसाइड करनी है, या तो होटल्स वगैरह या पार्क हो जाएं या कोई इस तरह की जगह, अदरवाइज आप पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट ना करें। और वो भी अगर आपके घर बड़ा है या ऐसी कोई जगह तो वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर छोटा है तो ये नहीं कि आप गली बंद कर दें और गली में अरेंजमेंट शुरू कर दें, तो वो उसमें आ जाता है, पब्लिक न्यूसेंस में आ जाता है, तो उससे हमें इज्तनाब करना है। तो ये लोगों को ये रखना चाहिए, क्योंकि आज हम जगह जगह पर देखते हैं तो अक्सर छोटे छोटे मतलब गलियों के उन्होंने घेरा होता, तंग किया होता है, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम है। तो ये अगर इस कानून के तहत देखा जाए तो ये एक बेस्ट मतलब हल है, लेकिन लोग इसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है, अमल ज़रूर करें। अच्छा, अब शादी के जहाँ पे बात हो रही है, तकरीबात की बात हो रही है, तो वहाँ पे खाने पीने की बात ना हो, वो लवाजमात ना हो, तो आप बताएं कि क्या कानून इसमें किस तरह की जो खाने पीने की रिस्ट्रिक्शंस लगाता है या नहीं लगाता? बिल्कुल, इसमें रिस्ट्रिक्शन है, और ये इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो वन डिश है। वन डिश वो कोई भी हो सकती है, जो अगर आप चिकन करी की तरफ चले जाते हैं तो उसमें चिकन आप रख सकते हैं, या कोई एक नमकीन डिश, चाहे वो कोई भी मटन हो, बीफ हो, लेकिन ये तीनों नहीं या दो नहीं, इसमें से एक। इसी तरह राइस है, हर एक को जो भी आप एक डिश को रखेंगे वो एक ही होगी। बेवरेजेस में अगर आप चले जाते हैं तो बेवरेज भी एक ही होगा, कोल्ड ड्रिंक रख लें तो फिर आप मतलब दूसरी नहीं कि बहुत ज़्यादा जूसेस वगैरह या और साथ में चीज़ें दे दी जाए, नहीं, कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक में कोल्ड ड्रिंक, और अगर चाय है तो चाय, तो इसी तरह ना एक है, और स्वीट में सिर्फ एक ही। ये नहीं कि हम सभी का भरमार लगा दें, पांच स्वीट डिशेज हो जाएं, पांच नमकीन, तो ये दूसरों के लिए भी मुश्किल होती है और अपने लिए भी मुश्किल होती है। तो इसको ये है कि जितना भी इसको हम लिमिटाइज करेंगे, या गवर्नमेंट इसको लिमिटाइज कर दिया है, वो हमारी बेहतरी के लिए, हमारी फलाह के लिए है, ना कि मतलब हमें उससे किसी तरह के हम पे पाबंदी है। तो इससे सभी का फायदा है, इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज को जहन में रखते हुए ये कानून पास किए गए। यानी अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं ये जो वन डिश लॉ है वो इसी से ही ड्राइव हुआ है। जी जी बिल्कुल, ये इसी से ही ड्राइव हुआ है और इसी के लिए है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे अवाम की फलाह बहबूद है, तो इस लॉ को बनाने का मेन पर्पज़ क्या था? इस लॉ को बनाने का मेन पर्पस यही था कि इसमें बहुत ज़्यादा वायलेशन होती हैं। पहले हमारे पास मतलब जैसे हम वो क्या कहते हैं कि उसका फायरिंग वगैरह कर लेते हैं तो शादियों पे होती थी, तो वो भी इस लॉ के अंडर लेके आया गया कि आप शादियों पे बेजा आप फायर क्रैकर्स नहीं चलाएंगे, पटाखे वगैरह, और उससे हट के आप जो वेपन्स है उसका खुले आम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो करते हैं तो वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम है, और उसका मिस यूज़ हो जाए या एक्सीडेंटली चल जाए तो वो भी एक बड़े कॉस में तब्दील हो जाता है। उसके अलावा ये है कि हमें अगर इसको सही से लेके चलेंगे तो हमारे लिए ये हर सूरत में जब लॉ बनते हैं तो लॉ का मतलब ही बनाने का ये होता है कि इसमें पब्लिक का इसमें फ़ायदा होता है, लेकिन जब हम उसके अमल नहीं करते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती ना, तब वो उसमें वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। जी बिल्कुल, मैं इसी से कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये जो पंजाब मैरिज फंक्शन रिस्ट्रेन एक्ट है, ये बेसिकली बनाया गया है एक तो इंसानों को बचाया जा सके, इन फंक्शंस को खुशी का ही फंक्शन रहना देना चाहिए, ना कि उनको गम का और सज़ा का तरफ माइल करना चाहिए। और दूसरा जो एक जब भी कोई लॉ बनता है तो इंसानों की फलाह बहबूद उस इलाके की जाती है, तो इसमें यह था कि तबकाती तौर पर जो हम बटे हुए थे कि एक अमीर जो है अपनी बच्ची की या बच्चे की शादी पे दर्जनों डिशेस लगा देता था, तो वो जो गरीब है वो एहसासे महरूमी में चला जाता था। तो गवर्नमेंट का इस लॉ को बनाने का मेन पर्पज़ जो था कि एहसासे महरूमी को ख़त्म किया जाए और सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया जाए ताकि सबके ऊपर एक जैसा इम्प्लीमेंट हो। अगर गरीब की बच्ची की शादी पे वन डिश बन रही है तो अमीर की भी शादी के ऊपर वन डिश ही बनेगी, तो इसका इतलाक जो है सबके ऊपर होता है। अब हम बात कर दिए कि ये लॉ है, अगर कोई इन लॉज की कोई वायलेशन करता है, सपोज वो वन डिश की जगह ज्यादा डिशेस दे देता है, तो उस सूरत में क्या पनिशमेंट है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होती है? उसके लिए पनिशमेंट ये है कि उन्हें 1 मंथ की जो है वो इम्प्रिजनमेंट है, और 50,000 से स्टार्ट है, 2 मिलियन तक इसका फाइन है, जो आपको इन शेप ऑफ
प्राइस पे करना पड़ता है। उससे हट के ये है कि ये उन लोगों के लिए भी है जो कि एक ख़ास इसमें एक पॉइंट है वो कि अगर हम किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो होटल को बुक करवाते हैं तो ये होटल वालों की लाइबिलिटी है कि वो आपको मना करें कि आपने इसमें टाइम लिमिट है कि 10 बजे से पहले पहले ख़त्म करना है। इसमें से वन डिश का जो है तो वन डिश में वन डिश से ज़्यादा के लिए आप हमें फोर्स ना करें, अदरवाइज़ क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी उतना ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा जितना कि दूसरा उसे करवाने वाला। तो लिहाजा इस पर फिर दूसरी साइड पर हमें ये भी देखना है कि इसके उन जगहों पे हमें इसको उसके सुकून को भी बर्बाद नहीं रखना जो कि बेजा हम म्यूज़िकल सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं और हम बड़े बड़े डीजे वगैरह लगा देते हैं और रात हमारा 10 बजे के बाद जो टाइम पीरियड होता है ये एक फाइनल टाइम जो है वो 10 बजे तक का है और 10 बजे के बाद अगर हम करते हैं तो फिर तब हमें वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी इन शेप ऑफ जो मैंने भी आपको बताया कि इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन भी है। जी बिल्कुल, यानी कि इस लॉ के साथ रेलेवेंट लॉ लगते हैं, यानी साउंड एक्ट जो है जिसमें उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने बता दी 10 बजे तक वो फंक्शंस का टाइम है, ये भी रिस्ट्रिक्शन आ गई। फिर उसके अलावा होटल की जिम्मेदारी है, यानी यहाँ पे बात ये हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे फाइन जो है उस दूल्हा या दुल्हन के घर वालों को नहीं होगा, साथ में होटल मैनेजमेंट को भी फाइन होगा। बिल्कुल, आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से और तफसील से बता दिया कि ये जो लॉ है वो सिर्फ मैरिज और मैरिज के फंक्शंस और उसके साथ जितनी भी चीज़ें लवाजमात हैं उसको साथ जुड़े रखते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी लूँगी और थैंक यू भी करूँगी क्योंकि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आए और नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू जी। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये शादी और शादी की तकरीबात से रिलेटेड जो छोटे छोटे लॉज हैं जो कि बहुत बड़ा आपकी शादी के फंक्शन को ख़राब कर सकता है कि उसकी वायलेशन पे, तो शादी की तकरीबात को एंजॉय करें, भरपूर करें, लेकिन साथ में कानून की भी पासदारी करते जाएं ताकि शादी का घर जो है वो गम का घर ना बन जाए। जी नाज़रीन, अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और एक नए कानून की वजाहत के साथ। खुदा हाफिज़।